ओके बच्चों, अब मैं केस टू लेके आया हूँ। हम क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन प्रेशर निकालेंगे परफेक्टली अब्जॉर्बिंग के लिए। ठीक है, फिर से लाइट आ रही है, फिर से क्या आ रही है बेटा? लाइट आ रही है, से पहले आ रही थी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड कितने होंगे बेटा? देखने वाली बात ये होती है, तो बताया था कितने होते हैं, आई ए लैम्डा बाय एच सी, जहाँ पर एरिया ये होता है। बोलो, आई ए लैम्डा बाय एच सी, जहाँ पर आई इंटेंसिटी है, ए एरिया है इसका बीम का, लैम्डा इसकी वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। बोलो सही बात है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड यही होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ये सरफेस है तो ये एक फोटोन आया एच बाय लैम्डा मोमेंटम से, इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका? जीरो, अब्जॉर्ब हो गया ना। तो चेंज मोमेंटम क्या आया? चेंज मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन क्या आया, जल्दी बोलो, एच बाय लैम्डा। तो चेंज मोमेंटम ऑफ एन फोटॉन्स कितना आया? एन एच बाय लैम्डा, और चेंज मोमेंटम ऑफ एन फोटॉन्स पर सेकंड कितना आया? एन बाय टी, यानी बोलो एन बाय टी एच बाय लैम्डा। ठीक है, और चेंज मोमेंटम ऑफ एन फोटॉन्स पर सेकंड फोर्स होगा बेटा, सब जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इजी एकदम। ठीक है ना, तो फोर्स कितना आ गया? फोर्स कितना आ गया, जल्दी बोलो, एन बाई टी की जगह डाल दो, आई ए लैम्डा बाय एच सी इंटू एच बाय लैम्डा, एच से एच गया, लैम्डा से लैम्डा गया, आई ए बाय सी फोर्स। अब प्रेशर क्या होता है बेटा इस सरफेस के ऊपर? अगर मान लो फोर्स ऐसे लगता है परपेंडिकुलर और इस एरिया पे लगता है, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है, जल्दी बोलो, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, होता है कि नहीं होता? बोलो, सही बच्चे जानते हैं, सही बच्चे जानते हैं। तो कितना होगा प्रेशर? परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? आई ए बाई सी और ए सी आई बाई सी। दिस इज रेडिएशन प्रेशर फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, दिस इज रेडिएशन प्रेशर फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। बोलो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग भी समझ में आया, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग भी समझ में आया। और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता तो क्या करते? बोलो, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? एच बाय लैम्डा से आया तो एच बाय लैम्डा से क्या, यहाँ होता 2h बाय लैम्डा, यहाँ 2h बाय लैम्डा, यहाँ भी 2h बाय लैम्डा, तो यहाँ 2i बाय सी, क्या होता है 2i बाय सी। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए 2i बाय सी और परफेक्टली अब्जॉर्बिंग के लिए i बाय सी। अब अगर पार्शली रिफ्लेक्टिंग है या पार्शली अब्जॉर्बिंग है तो क्या करोगे? मान लो अब सरफेस कैसा है, एक केस करते हैं हम, थर्ड केस करते हैं। देखो ध्यान से, थर्ड केस में क्या करेंगे हम? थर्ड केस में हम सरफेस लेंगे जिसका कॉफिशियंट होगा, कॉफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट या अब्जॉर्बिंग कॉफिशियंट होगा। ठीक है, कितना कितना देखो, जिसमें रिफ्लेक्टिंग कॉफिशियंट होगा आर, कॉफिशियंट होगा आर, ये आर क्या होगा? जितने रिफ्लेक्ट हुए अपॉन जितने इंसिडेंट हुए। ठीक है, ऐसी एब्जॉर्बिंग कॉफिशियंट होगा ए, ये क्या होगा? जितने एब्जॉर्ब हुए अपॉन जितने इंसिडेंट हुए। बोलो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम सही है बेटा। तो अगर ऐसे केस के लिए पढ़ना चाहते हैं हम, ठीक है, और देखो जब आएगा, जब लाइट रेडिएशन आएगी तो वो सरफेस पे क्या करेगी, या तो अब्जॉर्ब करेगी या क्या होगी सरफेस पे, रिफ्लेक्ट होगी सरफेस से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो कुछ, मान लो कितने एन आर हैं रिफ्लेक्टिंग वाले, तो कितने हैं वो एन आई इंटू आर। ठीक है ना, और ये एन आई है इंसिडेंट, एन आई कितने हैं? आई ए लैम्डा टी बाई एच सी। बोलो, इतने तो इंसिडेंट है, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे आप? रिफ्लेक्शन के लिए बोलो, एच बाई टू एच बाई लैम्डा से तो मोमेंटम में चेंज आएगा, टू एच बाई लैम्डा से मोमेंटम में चेंज आएगा, और कितने हैं ऐसे एन आर बाय टी। बोलो बेटा, एन आर बाय टी, ये क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम
ऑफ एन आर फोटोन्स पर सेकेंड। ये क्या होगा? फोर्स होगा रिफ्लेक्टिंग की वजह से। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना होगा? 2h by lambda into nr by t। nr कितना होगा? ni यानी r और ni by t। ni by t कितना होगा? ये lambda by hc, h से h कट गया, lambda से lambda कट गया, कितना आ गया? फोर्स, फोर्स आ गया रिफ्लेक्टिंग की वजह से। 2i a by c into r और अब्जॉर्बिंग की वजह से क्या आ जाएगा? अब्जॉर्बिंग की वजह से करो 2 नहीं आता था, आई ए बाई सी होता था, तो आ जाएगा आई ए बाई सी इंटू अब्जॉर्बिंग ए। बोलो, और ए प्लस आर मिलके क्या होगा? ए प्लस आर मिलके इन दोनों को ऐड करूंगा तो एन ए प्लस एन आर एन आई हो जाएगा, तो एन आई बाई एन आई कितना हो जाएगा? वन, तो ए प्लस आर वन है, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल फोर्स 2 आई ए बाई सी इंटू आर प्लस आई ए बाई सी वन माइनस आर। बोलो, तो माइनस आर इस प्लस टू आर के साथ मिलकर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा फोर्स? आई ए बाई सी वन प्लस आर। बोलो, समझ में आया? और रेडिएशन प्रेशर कितना आ जाएगा? रेडिएशन प्रेशर चाहिए वाला फोर्स हो, चाहिए वाला फोर्स हो, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये सरफेस है, है ना। अगर ये फोटोन आया और ये फोटोन गया तब भी फोर्स कैसा होगा? इस सरफेस के ऊपर ऐसा होगा। अगर ये फोटोन आया और फोटोन गया ही नहीं तब भी यही सरफेस, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर। टोटल फोर्स क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो और ऐड कर दिया अपॉन एरिया, यानी आई बाय सी वन प्लस आर इज व्हाट रेडिएशन प्रेशर। तब अब आपको आर कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट दे रखा है 0.3, 0.4, वो आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा ओब्लिक इंसिडेंस की, टेढ़ी आई और टेढ़ी गई, उसमें परफेक्टली अब्जॉर्बिंग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है।